पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय वायुसेना के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तल्खियां देखी जा रही थी, मगर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के ऐलान के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। भारत की ओर से बिना किसी शर्त के पायलट अभिनंदन को रिहा करने की बात कही गई, जिसके कुछ समय बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी असेंबली में शांति भावना के तहत भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया। विंग कमांडर अभिनंदन को आज पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के जरिए भारत को सौंपा जा रहा है, जिसे लेने के लिए भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल गया है। हालांकि अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान अभिनंदन को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को सौंपेगा या भारतीय अधिकारियों को। दरअसल 26 फरवरी को जैश ए आतंकी कैंप पर भारत की कार्रवाई के बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने पलटवार करने की नापाक कोशिश की, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की और उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारत द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक की प्रतिक्रिया के तौर पर पाकिस्तानी विमानों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे खदेड़ने के दौरान भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान ने पाकिस्तान के AF-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में चले गए, जहां उन्हें पाकिस्तान ने 27 फरवरी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल देश आज खुश है क्योंकि अभिनंदन का वंदन करने के लिए ये वतन तैयार है, वतन के लोग तैयार हैं, पूरे देश में खुशी का माहौल है।